बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है साइंस में वो है रेस्पिरेशन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूँ, रेस्पिरेशन ठीक है या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको उर्दू में आप लोग कहते हो हमारे सांस लेने का आम है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन है क्या, हमारे तनफ्फुस सांस लेने का अमल क्या है। तो सिंपली आप लोग ये कह सकते हो कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हम हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हमारे तनफ्फुस देखो दो काम हम कर रहे हैं, एक है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना जिस्म में और दूसरा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक हो गया। तो रिस्पायरेशन मतलब हो गया कि रिस्पायरेशन जो है वो दो मराहिल में मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन ये पहले होता है ना, तो इसको मैं पहले लिख लूंगा इंस्पायरेशन, एंड द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने क्या कहा कि हवा, हवा से ऑक्सीजन गैस को अंदर लेके जाना, रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल दो तरीकों से होता है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोग ऐसे करो, इंस्पिरेशन कर लो, अब सांस को रोक सकते हो, दोबारा सांस नहीं ले सकते, इसके बाद इंस्पिरेशन के बाद फौरन जो है एक्सपायरेशन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालोगे। तो दोनों अमल जो है यह की बात दिख रहे हैं, मतलब एक अमल हो गया तो दूसरा खुद ब खुद होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो इंस्पिरेशन भी हो गया और एक्सपायरेशन भी। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? आ गया बेटा। इंस्पिरेशन किसे कहते हैं? कौन सी गैस अंदर जाती है? वेरी गुड, शाबाश। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं। खारिज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बैठ जाओ, वेरी गुड। अब देखो बेटा, वैसे कोई पूछ भी सकते हैं ना कि ये क्यों जरूरी है कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों नहीं जाती या ऑक्सीजन जो है वो बाहर क्यों नहीं निकलती, सवाल है ना, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? और दूसरी बात इसमें ये है बेटा कि ये गैसों का तबादला, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। और इंसान में गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ना, उस अमल को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब इसको उर्दू में सिंपल हम कहते हैं अमल नुफूज, ठीक है। और ये ऐसा अमल है जिसमें हम कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम, ये गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ज्यादातर लिक्विड और गैसियस में होता है, पानी का ऊपर से नीचे आना ये भी डिफ्यूजन है। और गैसियस मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना, द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मिसाल के तौर पर सिंपल मिसाल मैं देता हूँ, इधर मैं स्प्रे करूँ खुशबू सेंट वाला, ठीक है, कुछ देर बाद वो खुशबू जो है आहिस्ता आहिस्ता उधर उस कोने में बच्चे को महसूस होगी, होगी कि नहीं? yes, किस वजह से हो गया? डिफ्यूजन की वजह से। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, कंसंट्रेशन गैस मॉलिक्यूल है ना, वो भी गैस है ना, या लिक्विड है जो भी है, लेकिन उन हायर कंसंट्रेशन से यहाँ पे उसकी मिकदार ज्यादा है, कंसंट्रेशन इर्तिकाज मिकदार को कहते हैं, ठीक है। वहां से मॉलिक्यूलों का आहिस्ता आहिस्ता भागना, ये गैस की खुसूसियत है कि मॉलिक्यूल जो है वो भागते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुशबू हो या बदबू हो जो भी हो वो उस जगह से उधर पहुंची और ये डिफ्यूजन है। तो याद रखो हमारे जिस्म के अंदर फेफड़ों में, ये लंग्स में, जहां पे मैंने आपको बताया था अल्वेलाई, दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन,
ये जो हम सांस लेते हैं ना और ऑक्सीजन यहां तक पहुंच गया तो बस हमने सांस ले लिया। सेहतमंद इंसान अभी मुझे पूरा याद नहीं है, कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन एक मिनट में 20 से 24 बार सांस लेता है सेहतमंद इंसान, ठीक है, जिसको कोई सांस की बीमारी ना हो। सांस की बहुत सारी बीमारियां, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और एम्फिजेमा और बहुत सारी बीमारियां, ठीक है। तो यहां पे जब ऑक्सीजन गैस पहुंच गई तो बस रेस्पिरेशन का बंद हो जाता है। ऑक्सीजन इधर पहुंच गया, जज्ब हो गया, खून में शामिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस्म से बाहर निकलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में कहां से आ गया, कोई अंदर तो सिलेंडर तो नहीं लगा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म में बन रहा है। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन को अंदर करना, ऑक्सीजन तो हवा से अंदर हो गया, जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो कहां से आ गया जिस्म में, कोई बता सकते है? नहीं? देखो बेटा, आप लोग जो खुराक खाते हो ना, खुराक आपकी जिस्म में टूटता है, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन उस खुराक के साथ ग्लूकोज के साथ, हमारे जिस्म में ज्यादातर खुराक ग्लूकोज की शक्ल में टूटता है, और आप लोग जो बोलते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, इसके लिए हमें तवानाई की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तवानाई की जरूरत है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और उस दौरान तवानाई बनती है एटीपी की शक्ल में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस तवानाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब भी टूटता है ना, ये देखो मैं आपको लिख करके देता हूँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये हमारे जिस्म में मौजूद होता है, जो भी खुराक आप खाते हो उसमें ग्लूकोज शामिल होता है या जिस्म में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है वो खुराक, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूट गया, ठीक है। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक मीन जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत हो। हाँ, इससे बनता है CO2 प्लस H2O, ये तो जिस्म में पानी बन गया, और CO2 प्लस 36 ATP, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, ATP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जिस्म को जब भी तवानाई की जरूरत हो तो ये मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, हमें तवानाई मिलती है। मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, रमजान में 2-3 बजे के बाद बंदा बोल भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप लोग खाते नहीं हो, जब खाते नहीं हो तो रिएक्शन होता नहीं है, जब नहीं होता तो तवानाई नहीं बनती, तो हमें बोलने की वो मुश्किल लगता है, हमें बंदा चल करना तो छोड़ो, बंदा बोल भी नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो हम किस चीज पे बात कर रहे थे, इस पे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जो बन गई ना, अब जिस्म से इसको खारिज भी होना है, फाजल मादा है ये, अगर जिस्म में रहा तो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो वो कहां निकलते हैं, एक्सपायरेशन। बात समझ में आ रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस्म में बन गई ये एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकलेगी। अब मेन टॉपिक पे आ जाओ, ये तो एक्स्ट्रा बातें हमने बता दी। अब देखो बेटा, जब आप लोग सांस लेते हो ना, सांस हम रिस्पायरेशन दो किस्म का होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब, हाँ बोलो, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना बॉडी में, और एक्सपायरेशन का मतलब लेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ठीक है। अब देखो बेटा, इंस्पायरेशन आप लोग कहां से करते हो, या तो माउथ के जरिए करते हो या नॉस्ट्रल के जरिए करते हो, ज्यादातर हम नॉस्ट्रल के जरिए करते हैं, नर्तों के जरिए हम ऐसा करते हैं, हो गया, ये अंदर की तरफ मैं सांस ले रहा हूं, तो नर्तों के जरिए हवा जो है वो विंड पाइप में आ गया, हवा की नाली, ट्रेकिया भी कहते हैं विंड पाइप, ठीक है, हवा की नाली। बात समझ में आ गई? इधर से ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस ये विंड पाइप है यहाँ पे, फिर एक लेफ्ट में जाते हैं, दूसरा राइट में जाते हैं, तो ये इधर आ गया। बीच में आप लोग ये कहोगे कि ये क्यों बने हुए हैं, ये रिंग्स याद रखो, ये जो है ये रिंग्स जो है ये कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज जानते हो, कार्टिलेज का मतलब कुरकुरी हड्डी जिसको हम कहते हैं, ये नरम हड्डी है, इधर भी है, इधर भी है, और इसका काम क्या है, दे प्रिवेंट द विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग, ताकि विंड पाइप जो है ये कोलैप्स ना हो, बंद ना हो, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो फिर तो सांस लेना मुश्किल है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अय्याला रब्बी कुमार तो कर्ज़ बात, अल्लाह की किन किन नेमतों को आप जुटा हो, ये अगर आप डिटेल से पढ़े ना कि तो आप लोग सेवन में हो, बायो केमिस्ट्री में आगे आ जाओ तो इंशाल्लाह डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। इंसान का दिमाग काम करना छोड़ जाता है कि ये इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाए हुए है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जाए, तेजाबियत को खत्म करना अल्लाह ताला ने दूसरा निजाम जिस्म में बनाए हुए है, खुद ब खुद जिस्म की तेजाबियत खत्म हो जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल
इंसान जो है वो बेबस हो जाता है कि ये किस तरह काम कर रहा है। साइंस तो सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी काम जो है वो अल्लाह ताला कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, बंद होने से बचाने के लिए यहाँ पे ये कार्टिलेज रिंग लगे हुए हैं ताकि ये बंद ना हो। कुर्बानी में आप लोगों ने देखा होगा ये वैम्पायर, जिसको पश्तो में गड़गड़ू इस तरह कुछ नाम लेते हैं, देखा है ना। अच्छा, ये वैम्पायर जो है मजीद दो शाखाओं में डिवाइड है, या आ गया पेराइक्लिस में चला गया, दूसरा राइट में, और कहां पे जाता है? लंग्स में एंटर होता है। कहां पे? लंग्स में एंटर होता है। तो हवा जो है इधर आ गई, फिर ये जो दो शाखाओं में डिवाइड हो गया, इसका नाम था ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस मजीद शाखों में ब्रांचेस में डिवाइड होगा, जिसका नाम है ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के सिरे पे जिसको हम सिंपल कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, वो अंगूर का गुच्छा नहीं होता, उसकी तरह छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थेटिनुमा, उसको कहते हैं एल्वेलाई। और एल्वेलाई तक जब ऑक्सीजन पहुंच गई तो इंस्पायरेशन का अमल कंप्लीट हो गया। अब जिस्म से सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होके इसी दौरान जब आप लोग ऐसा कर ले, हो गया ऑक्सीजन, और फिर जब बाहर छोड़ते तो ये एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन के फौरन बाद एक्सपायरेशन हो, बात समझ में आ रही है? और वही तरीका है, प्रोसेस सिर्फ जो है वो रिवर्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आके ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस से विंडपाइप में, विंडपाइप से नथनों में, या फिर मुंह के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। और जब दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है ये दोनों कंप्लीट हो जाए, तो हम कहते हैं कि सांस लेने का अमल कंप्लीट हो गया। इंसान एक बार सांस ले लेता है जब इंस्पायरेशन कर ले और एक्सपायरेशन, ये आज याद होगा, ठीक है ना? कोई शक तो नहीं आप लोगों को, या कोई मुश्किल हो तो बता दीजिए। हाँ, समझ आ गई? आप लोग सिर्फ इतना याद कर लो कि रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाला जाता है और ऑक्सीजन जो है जिस्म में दाखिल होती है।